जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर इंसानियत से शायद भरोसा ही उठ जाए। धनवंतरी नगर चौक पर एक अज्ञात विक्षिप्त भिखारी ने भूख से अपना दम तोड़ दिया। दिल दहला देने वाला ये वाक्या यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस भिखारी का शव उठाने से पहले पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और वहां पहुंचने में काफी देर लगाई। आखिरकार मोक्ष सामाजिक संगठन के आशीष ठाकुर और उनके संस्था के लोग वहां आए और उन्होंने शव को खुद उठाकर वैन में रखवाया। सवाल अब ये उठता है कि आम लोग हो या फिर पुलिस, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। यदि आम लोग भी इंसानियत दिखाते तो शायद ये मौत भूख से नहीं हुई होती। धनवंतरी नगर चौक पे बस स्टॉप के पीछे एक अज्ञात मृतक की सूचना थी जो आकर देखा गया यहाँ पर, तो आसपास वालों से पूछताछ की गई। जो एक भिखारी सा एक दिखने वाला व्यक्ति, दुबला पतला सा वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसके पास में खाना भी पड़ा हुआ था, शरीर पर देखा गया कोई किसी प्रकार की चोट नहीं थी, लगता है भूख के कारण ही वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो आसपास के जो दुकान वाले हैं, प्रेस वाले, फुलके वाले वगैरह से पूछताछ की गई तो कोई भी उस व्यक्ति को जानता नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसी बस स्टॉप के पीछे पल्ली वगैरह बिछाकर काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहा है, ना ही कोई इसका परिजन है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वहीं बैठा रहता है और जो कोई कुछ खाने को दे देता तो खा लेता है। इस प्रकार की अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है और जांच जारी है, कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो बताया जाएगा। अभी हमको अज्ञात शव की सूचना मिली जिसको लेने हम सारे लोग यहाँ पर आए और विगत 20 वर्षों से हम मोक्ष के माध्यम से अज्ञात शवों का संस्कार कर रहे हैं। बड़ी विडंबना यह है कि थाना क्षेत्र में बटी हुई पुलिस सामने FIR भी खड़ी है और वो धनवंतरी नगर थाने की है और गढ़ा थाने से शव की सूचना थी। इस संबंध में ना तो प्रशासन की ओर से ना पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं होती है और सब लावारसी में सड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। इन 20 वर्षों में हमने कई हज़ारों शवों को उठाया और इसी क्रम में हम अभी भी शव को उठाने आए थे, शव को उठा के हमने पुलिस के माध्यम से भिजवा दिया, पर ये बड़ी विडंबना है कि ना तो शवों के उठाने से रखने, ले जाने और उनके संस्कार तक प्रशासन की ओर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी निगम की, प्रशासन की है, अगर हम इसको टालते हैं तो मानवीयता के दृष्टिकोण से दूर होते हैं। इस मानवीयता के दृष्टिकोण को पूर्ण करने के लिए हम मोक्ष के माध्यम से ये सेवाएँ देते हैं, पर आज भी हम सफ़र कर रहे थे, कल भी हम सफ़र कर रहे हैं और चाहते हैं कि जन समुदाय इसमें सामने आए और प्रशासनिक स्तर पर भी लोग इसमें आगे आएँ और इसका निराकरण हो कि कम से कम किसी की लावारिसी की मौत ना हो, कोई लावारिस ऐसी सड़कों में मृत उसकी बॉडी पड़ी ना रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।